उधमपुर जिले में आतंकी इतिहास रखने वाले बसंतगढ़ क्षेत्र में आतंकवाद ने दस्तक दे दी है। बसंतगढ़ से सीरीगला इलाके में वीडीजी और आतंकियों के बीच गोलीबारी में एक वीडीजी शहीद हो गया। जानकारी के अनुसार रात 11 बजे हथियारों से लैस चार पाकिस्तानी आतंकी कोठी निवासी आए और चनाली और पायाली का रास्ता पूछने के बाद चले गए। इस दौरान जिस व्यक्ति से पूछताछ की उस व्यक्ति ने तुरंत बसंतगढ़ थाने को पूरी जानकारी दे दी। वहीं सुबह 8 बजे एसपीओ और वीडीजी सदस्यों ने सेरीगला के थरुआ के जंगलों में आतंकियों के साथ मुठभेड़ की। इस गोलीबारी में वीडीजी शहीद हो गया। ये चारों आतंकी गुजर के ढोप में छिपे होने की जानकारी मिल रही है। ये चारों आतंकी पाकिस्तानी हैं। एडीजीपी आनंद जैन ने वीडीजी के शहीद होने की पुष्टि करते हुए उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। वहीं उन्होंने कहा कि घना जंगल है, सुरक्षा बल पूरे इलाके को घेर कर व्यापक तलाशी अभियान चला रहे हैं। भारतीय तट रक्षक बल ने पाकिस्तानी नाव से 86 किलोग्राम नशीला पदार्थ जब्त किया है। इसके साथ ही जहाज में सवार 14 पाकिस्तानी लोगों के दल को भी गिरफ्तार किया गया है। जब दवाओं की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 600 करोड़ रुपए आंकी गई है। गुजरात एटीएस और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी ने साथ मिलकर अरब सागर में ये ऑपरेशन चलाया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सपा के गढ़ में जाकर जमकर गरजे। उन्होंने शहर के नुमाइश पंडाल में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि दो चरणों की चुनाव में भाजपा सेंचुरी मार रही है। एक ओर राम भक्तों पर गोली चलाने वाले हैं और दूसरी ओर राम मंदिर बनाने वाले। उन्होंने कहा कि मैं अखिलेश यादव से पूछने आया हूं कि भैया आपको और डिंपल भाभी को प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण मिला था या नहीं। राहुल जी और उनकी मां से भी पूछता हूं कि निमंत्रण मिला था कि नहीं। आगे कहा कि सबको निमंत्रण गया था। उन्होंने जनता से पूछा कि राम सेवकों पर गोली चलाने वालों को चुनेंगे या राम मंदिर बनाने वालों को चुनेंगे। कश्मीर हमारा घर है या नहीं। 370 हटना चाहिए था या नहीं। इटावा का बच्चा बच्चा कश्मीर के लिए जान दे देगा। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग ने उनके कैंपेन सॉन्ग पर रोक लगा दी है। हाल ही में पार्टी ने अपना कैंपेन सॉन्ग लॉन्च किया था। दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने कैंपेन सॉन्ग पर रोक लगाने को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि भाजपा के एक और राजनीतिक हथियार चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी के कैंपेन सॉन्ग पर रोक लगा दी। ऐसा पहली बार हुआ होगा जब चुनाव आयोग ने किसी पार्टी के चुनावी गाने पर रोक लगाई है। आतिशी ने कहा कि तानाशाही सरकारों में विपक्षी पार्टियों को प्रचार करने से रोका जाता है, आज यही हो रहा है। लोकसभा चुनाव के बीच दिल्ली में कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। अरविंदर सिंह लवली ने दिल्ली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। इससे पहले शीला दीक्षित में 12 साल तक मंत्री रहे राजकुमार चौहान ने टिकट न मिलने से कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। बताया जा रहा है कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली आम आदमी पार्टी से गठबंधन के खिलाफ थे। लवली ने राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखकर कहा कि दिल्ली कांग्रेस इकाई उस पार्टी के साथ गठबंधन के खिलाफ थी जो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ झूठे, मनगढ़ंत और दुर्भावनापूर्ण भ्रष्टाचार के आरोप लगाने के एकमात्र आधार पर बनी पार्टी थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देने पर बीते दिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कड़ी फटकार लगाई है। हाईकोर्ट ने कहा कि गिरफ्तारी के बाद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा न देकर अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्र हित से ऊपर निजी हित रखा है। अदालत ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उसे केवल सत्ता में दिलचस्पी है। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में पिछले महीने से ईडी ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी द्वारा रविवार को दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के बीच बिहाड़ा इलाके में एक भव्य रैली का आयोजन किया गया। इस मौके पर अपनी पार्टी के अध्यक्ष सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी का ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया गया। इस रैली को अन्य वरिष्ठ नेताओं ने भी संबोधित किया। ये रैली लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी में चल रहे अभियान का हिस्सा थी।
इस दौरान अपनी पार्टी के अध्यक्ष सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि उन्हें एनडीए में शामिल होने का कोई न्योता नहीं मिला है, लेकिन अगर मिलता है तो मैं ये दिन के उजाले में बोल रहा हूँ कि हम बीजेपी के एनडीए गठबंधन में शामिल होंगे ताकि प्रदेश के विकास को और रफ्तार मिल सके।